वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वर्क फ्रॉम होम में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आप मुझे लाइक करें, सफर करें, कमेंट शेयर लाजमी कर लीजिए। बात में करना भूल जाते हैं। आज आप सबको सबसे पहले मेरी फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से 27वां रोज़ा और अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आए आज अलविदा जुमे की अफ्तारी की तैयारी करते हैं, सबसे अफ्तारी की तैयारी करते जाए स्क्रीन देखे अभी। रहमान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से 27वां रोज़ा अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। चले आएँ अलविदा जुमे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 किलो दूध डाल दिया, उसमें इलायचियाँ डाल दी हैं। अब मैं इसमें चीनी डालती हूँ। दो किलो दूध, इसमें मैं तकरीबन 1 चीनी डालूंगी। बनाना कस्टर्ड बना रही हूँ, 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिए हैं। 2 को उबाला आ गया, अब मैं इसमें कस्टर्ड डालती हूँ। कस्टर्ड डालते टाइम चम्मच चलाना है। कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया, ये देखें। अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। कस्टर्ड के लिए जेली बनाते हैं। पानी मैंने 1 कप जो है ना उबालने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें जेली अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। जैसे इसमें ये जेली हल हो जाएगी, फिर मैं इसे जमाने के लिए रख दूंगी और कस्टर्ड भी ठंडा करके कस्टर्ड में डाल दूंगी। देखें जेली भी डाल दी है, सेब केले केक रस डाले हैं। अब मैं इसमें कॉकटेल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें कस्टर्ड डालती हूँ। कीवी डाल दिया, ऊपर से थोड़ी सी और जेली डाल दूंगी। ये देखें हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है और साथ हमारी दशियाँ सलाद जो है ना वो भी तैयार है। अब से आपको कबाब फ्राई करने हैं और पकौड़े समोसे रहेंगे फ्राई करने के लिए। शामी कबाब मैंने रख दिए हैं फ्राई करने के लिए। उधर मैंने ना कढ़ाई में तेल डाल दिया, इससे मैं ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी। इसमें पहले मैं समोसे फ्राई करूँगी। समोसे जो है ना फ्रीज किए हुए हैं, नीम गर्म ऑयल में मैं डालूँगी। ये देखिए ज़्यादा हीट अप नहीं है घी ऑयल, सॉरी। ये देखिए आपस में जुड़े हुए भी हैं, जैसे जैसे इन्हें हीट लगती जाएगी ऑयल में ये अलग होते जाएंगे। ये देखिए समोसे जो आपस में जुड़े हुए थे अलग हो गए हैं और कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। खाने में मैंने आज बनाया चिकन कौरमा। अब मैं इसमें रोल डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रीज हुए हुए हैं, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया। अब मैंने
मैगनेट्स डालने लगी हूँ। दोस्तों ये है आज का मेरी 27वीं अलविदा जुमे की इफ्तारी। आए आप भी हमारे साथ खाएं, रोज़ा इफ्तार करें और देखें। आप सबको एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से अलविदा जुमा 27वीं रोज़ा जो है ना मुबारक हो। तो मुझे कल तक के लिए इजाज़त है। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।